नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, जो वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीटीटी और प्री बीएससी के उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जो पीटीटी का एग्ज़ाम है वो 12 तारीख को यानी आज से दो दिन बाद ही, यानी कल का दिन बचा है, परसों एग्ज़ाम है। तो कैसे करेंगे आप इस एग्ज़ाम के लिए, क्या रहेगी आपकी एग्ज़ाम की रणनीति, एग्ज़ाम हॉल के लिए जो रणनीति क्या रहेगी वो बताऊंगा मैं आज इसके वीडियो में। और कैसे आप इस वीडियो की सहायता से अपना पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे और अपने पेपर के दौरान आप कैसे अपने पेपर को अच्छी तरह से हल कर पाओगे तो ये भी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। मेरे दोस्तों, अगर आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी आप ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहली बात, जो पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उन दोस्तों के लिए ये कहना चाहूँगा कि आप पहली बार, यानी आपने ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आप पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो पहली बार में एग्ज़ाम में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसीलिए ये कह रहा हूँ कि आपको बहुत ही ध्यान से अपने जो आपको 3 घंटे मिलते हैं एग्ज़ाम के लिए, उन 3 घंटों का बहुत ही सदुपयोग करके आपको पूरा एग्ज़ाम देना है बिना डरे बिना घबराए हुए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको अपने समय से, निश्चित समय से पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है। क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर पर निश्चित समय से पहले नहीं पहुंचे और कुछ देरी हो गई और आपको घबराहट हो गई तो फिर आपका पूरा एग्ज़ाम ख़राब होने की ज़्यादा चांस हो, इसलिए आप एग्ज़ाम सेंटर पर कुछ देर पहले ही पहुंच जाए। दूसरी टिप्स आपके लिए ये रहेगी कि आप अपने पेपर को, जब आपको पेपर और मार्कशीट दी जाती है तो बहुत ही ध्यान से पूरे पेपर को केयरफुली पढ़िएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से पार्ट से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उनको पढ़िएगा। उसके बाद आप पेपर अपनी मार्कशीट को भी बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको भरना है, क्योंकि अगर आपने मार्कशीट में कोई भी गलती की तो आपके लिए वो जो है बहुत ही गलत साबित होगी। इसीलिए क्या है कि आपको मार्कशीट बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक भरनी है। इसके बाद जब आप पार्ट हल करने बैठते हैं, जैसे पीटीटी के पार्ट की बात करें तो पीटीटी में जो फर्स्ट पार्ट है वो रीजनिंग आता है, सेकंड पार्ट है शिक्षण विषमता का, तीसरा पार्ट जीके का और चौथा पार्ट लैंग्वेज का, हिंदी या इंग्लिश का। तो पहला जो पार्ट है आपका रीजनिंग का, उस पार्ट को सोल्व करने के लिए बजाय आप सबसे पहले जीके का पार्ट हल कीजिएगा, यानी जीके का जो पार्ट है वो आप 50 क्वेश्चन सबसे पहले हल कीजिएगा। उसके बाद आप चलिएगा लैंग्वेज की तरफ, लैंग्वेज पार्ट हल कीजिए, उसके बाद आप देन रीजनिंग पार्ट हल कर सकते हैं और सबसे अंत में सबसे अच्छा और मोस्ट और सबसे नंबर ज़्यादा बनाने वाला पार्ट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण विषमता, जो आप अगर उसके अंदर 200 क्वेश्चन आते हैं इस एग्ज़ाम में और 600 नंबर के हैं और हर पर्सन 3 नंबर का है तो वो एक ऐसा पार्ट है कि अगर उसके अंदर आपने सही कर दिया तो 3 नंबर, उससे नीचे किया 2, 1, 0 ऐसे मेंशन है उसके अंदर, यानी आपके लिए इनाम के हिसाब से है वो पार्ट, तो वो पार्ट आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाता है। तो इसलिए उस पार्ट को बहुत ही ध्यानपूर्वक केयरफुली तो आपको करना ही करना है हर पार्ट को। अगली बात ये रही कि आपको जो है एग्ज़ाम के समय गोले भरते समय जो मार्कशीट में आप गोले भरे होंगे उनको बहुत ही ध्यान से पूर्वक करें, क्योंकि गोले जब आप भरते हैं ना तो बहुत सारी गलतियां हो जाती है। यानी आप कभी क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर लिखने आपने लिख दिया, कभी क्वेश्चन नंबर 15 में सह है और आप गलतीपूर्वक 16 नंबर में वो सह करवाते हैं और वहाँ पर आपकी गलती हो जाती है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक, क्योंकि पहली बार आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, आपको गोले भरने का इतना अनुभव नहीं हो, इसलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक उन गोलों को भरना है, सही से भरना है। यानी एक बार 2 गोले भर दोगे तब भी आपका गलत हो जाएगा, इसलिए क्या है आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक उन गोलों को भरना है और सही गोले भरने हैं, 2 गोले भरना यानी आपके। और हाँ, इस एग्ज़ाम में आपके एक सवाल और होगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको अगर 200 से 200 क्वेश्चन आते हैं तो 200 के 200 क्वेश्चन आप ई की आज करके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको कक्षा जो आपका 12 मई को एग्ज़ाम है उसके लिए कहता हूँ ऑल दी बेस्ट। यही था आज का वीडियो, पसंद आ जाए वीडियो तो वीडियो कर देना लाइक, हमारे चैनल
विपुल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल की घंटी दबा देना और पसंद और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।